सोलो ट्रिप करना हर किसी का सपना होता है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं ऋषिकेश पहली बार आया हूँ और रामझूला मार्केट साइट में घूम रहा हूँ। मैंने पहले इस जगह की खूबसूरती और सुंदरता के बारे में ऑनलाइन देखा था, पर खुद से कभी रामझूला में खड़े होकर सुबह के समय विशाल गंगा नदी के दर्शन नहीं किए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रामझूला के पास से सुबह का व्यू कैसा लगता है। ऋषिकेश को हम योग नगरी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के लिए प्रसिद्ध है। राम झूला और लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में दो प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। इन पुलों का नाम हिंदू महाकाव्य रामायण भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण के नाम पर रखा गया था। ये पुल ऋषिकेश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रामझूला ऋषिकेश इंटरस्टेट बस स्टैंड से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। लक्ष्मण झूला को पैदल चलने वालों के लिए असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद बंद कर दिया था। इसके आसपास के क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है। रामझूला दुकानों, आश्रमों और मंदिरों से घिरा हुआ है, जो कि एक जीवंत और हलचल भरा स्थान अनुभव होता है। यहाँ पर कई मंदिर और घाट हैं, जहाँ बैठकर पहाड़ों से घिरी विशाल गंगा नदी के दर्शन कर सकते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ आपको चलते चलते एक अलग ऊर्जा का आभास होगा। रामझूला आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रवेश करने के द्वार के रूप में कार्य करता है, जहां भक्त और यात्री समान रूप से एकांत की तलाश में आते हैं, ध्यान में संलग्न हो जाते हैं। मैंने इस जगह की जितनी प्रशंसा सुनी थी उससे भी ज्यादा यह जगह प्रशंसा के लायक है। मेरा और भी कई नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का सफर जारी रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शुभम ट्रेवलॉग को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।